In the previous section, we have done the analysis of string fixed at both ends. East side se bhi haath se pakda tha aur us side se bhi haath se pakda tha. The string was fixed at both ends. And then, dono haath se hum log ne oscillation kiya and stationary waves were produced and we found the expression for resonating length. L is equal to P lambda by 2 and resonating frequency. N is equal to PV by 2L. N is equal to PV by 2L. ऐसा expression हमने derive किया. अब हम लोग अगला केस लेते हैं, which is for analysis of string fixed at one end only. एक side fixed है. एक side से मैंने हाथ से पकड़ के रखा है, दूसरे side पे नहीं पकड़ा है. अब ऐसा हो सकता है क्या कभी रस्सी को एक हाथ से पकड़ो इस हाथ से और वो साइड से ना पकड़ो, वो साइड से नहीं पकड़ेंगे तो रस्सी गिर जाएगा. देखो अगर ये साइड से दूसरे साइड से मैं हाथ से नहीं पकड़ू तो रस्सी गिर जाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रस्सी को एक साइड से हम लोग पकड़ के रखते हैं और दूसरे साइड पे हम लोग पतला सा एक थ्रेड लगा देंगे, पतला सा एक थ्रेड लगा देंगे. सो दिस रेड कलर्ड रीजन इज अ वेरी वेरी थिन थ्रेड, बहुत ही पतला थ्रेड है. इट इज एज गुड एज कि वहां पे कुछ ऐसे सपोर्ट ज्यादा नहीं है. तो वी हैव अ वेरी थिन थ्रेड विच आई हैव शोन इन रेड कलर, दिस इज द थिन थ्रेड. बट आर वी होल्डिंग देयर? नो, सच्ची बोलेंगे तो यहाँ पे होल्ड करके रखा रहेगा, यहाँ पे इसको वॉल से कनेक्ट करके रखा हम लोग ने मान लो यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है, वॉल से. बट फॉर प्रैक्टिकल रीजन हम लोग क्या देख सकते हैं, ये मोटा सा रस्सी हवा में ऐसे लटक रहा है और बाकी ये तो हमें दिखाई नहीं देगा, वो बहुत ही पतला है. जैसे सोचो एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो ये वायर है हम लोग के पास, इसको अगर मैंने व्हाइट कलर के पतले से धागे से, इसको मैंने कौन सा किया, व्हाइट कलर का पतले से धागे से अगर मैंने इधर इसको मान लो यहां से यहां तक अगर पकड़ के रखा है तो वो व्हाइट कलर का पतला सा धागा हम लोग को दिखाई नहीं देगा. तो एक साइड तुम्हें मेरा हाथ पकड़ा हुआ दिखाई देगा बट दूसरे साइड वो कहीं कुछ नहीं पकड़ा ऐसा तुम्हें दिखाई देगा. सो फॉर दैट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली, एक साइड पे हम लोग ने हाथ से पकड़ा है, उसके लिए नाउ वी आर डूइंग द एनालिसिस फॉर सेम थिंग विच इज रेजोनेटिंग लेंथ एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. पहले तो हम लोग ने क्या अरेंजमेंट किया है, एक रस्सी लिया है जो कि काफी थोड़ा सा मोटा है और उसको एक बहुत ही थिन थ्रेड से वहां पे लटका के रखा है एंड दैट इज द डायग्राम विच वी आर सीइंग हियर, अ स्ट्रिंग एंड देन अ वेरी थिन थ्रेड विच इज ऑलमोस्ट डूइंग नो वर्क, वहां पे उसका कुछ काम नहीं है, नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो. ओके, सो जस्ट टू सपोर्ट दिस स्ट्रिंग वी हैव दिस वेरी थिन थ्रेड. ओके, सो द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड वी आर होल्डिंग इट बाय हैंड ऑन दिस साइड. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर ऑसिलेशन. ये हाथ को हम लोग ऊपर नीचे करना चालू करेंगे. जब हाथ को हम लोग ऊपर नीचे करना चालू करेंगे तो फिर से क्या होगा, हम लोग का हाथ को अगर मैंने ऊपर नीचे करना चालू किया तो अगेन वी हैव अ वेव. मान लो ये ब्लू कलर का वेव बन गया, ये ब्लू कलर का वेव बन गया, हाथ ऊपर करने से ये ब्लू कलर का वेव बन गया. अब एट दिस एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एक्स इज इक्वल टू एल, यहां पे ये एंटी नोड बनेगा. यहां पे क्या होगा, एंटी नोड बनेगा. क्यों एंटी नोड बनेगा, पिछली बार तो नोड बना था, पिछले केस में नोड इसीलिए बना था क्योंकि वहां पे हाथ से पकड़ा हुआ था, अदर एंड वॉज हेल्ड बाय हैंड, द अदर एंड वॉज हेल्ड बाय हैंड, हाथ से पकड़ा हुआ था, हाथ से पकड़ करके रख रहे थे इसीलिए वहां पे पहले नोड बन रहा था. बट इस बार हम लोग ने यहां पे हाथ से नहीं पकड़ा है, द अदर एंड नाउ इज फ्री, फ्री है वो तो फिर ऊपर नीचे वो झूमेगा, इट विल मूव अप एंड डाउन एंड इट विल क्रिएट एंटी नोड एट दिस पोजिशन. झूमते झूमते वहां पे वो क्या बनाएगा, एंटी नोड. तो वी हैव एंटी नोड एट द फ्री एंड एंड नोड एट द क्लोज्ड एंड. क्लोज्ड एंड मतलब जहां पे हम लोग ने हाथ पकड़ के रखा है. तो एट द फिक्स्ड एंड वी हैव नोड, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वी हैव नोड एंड एक्स इज इक्वल टू एल बिकॉज इट इज द फ्री एंड वी हैव एंटी नोड एट दिस पोजिशन. सो दिस इज द डायग्राम. नाउ व्हाई डू वी सी दिस रेड कलर का वेव, रेड कलर का वेव क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द टॉपिक विच विल स्टडी नाउ, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. बट इस फ्री एंड पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे रिफ्लेक्शन होगा. देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, थोड़ी देर बाद अगला टॉपिक वही लेना है हम लोग को,
This is a dense string and this is a very very thin string, so it is a rarer medium. This is denser medium, this is rarer medium. So what we see is denser medium se jab rarer medium mein wave aayega, so we will have a reflection. Reflected wave, out of phase hai, in phase hai. That is what we will discuss now, okay, in the next topic. But for now, remember, is end pe reflection hoga, aur ye reflected wave maine red color se dikhaya. So this red color which I have marked here is the reflected wave. So due to the incident wave shown in blue color and the reflected wave shown in red color, there is formation of stationary wave, because both the waves are traveling in opposite direction. Incident ray is going in right direction, reflected ray is, wave is going in left direction. Incident wave right mein ja raha hai aur reflected wave left mein ja raha hai. Toh dono opposite direction mein aayega, so it is again formation of stationary wave, which we have seen stationary wave ka equation aise hi nikalta hai. Jab do waves opposite direction mein aate hain, same amplitude, same frequency ke honi chahiye. These two waves are same amplitude, same frequency, traveling in opposite direction, creating the stationary wave. So, ye hum log ka stationary wave ban gaya. Now, let us discuss the distance between two nodes. Node, ye ek node hai ki nahi hamare paas? Aur ye dusra node hai. Node means points of zero displacement. So, if you see carefully, ye aadha wavelength hai ki nahi? Sirf blue color wale ko dekho. Blue color mein hum log ka total wavelength yahan se yahan tak hai. To yahan se yahan tak kitna hoga? This will be aadha wavelength, matlab lambda by 2. So distance between two nodes kitna hai? Lambda by 2. Similarly, if I ask you the same question, distance between antinodes kitna hai? Antinodes ka distance aur nodes ka distance same hi hai. Dekho, measure karke dekh lo. Nodes ke bich mein itna distance hai, antinodes ke bich mein bhi utna hi distance hai. It is lambda by 2. And if I ask you the question, what is the distance between node and antinode? Ye hum log ka node, ye antinode. To kitna distance aayega? उसका भी आधा. देखो लैम्डा बाय 2 इतना है, उसका भी आधा मतलब इतना, तो लैम्डा बाय 4. तो ये डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड कितना आएगा? लैम्डा बाय 4. ओके, तो ऐसा याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, लैम्डा बाय 2. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, लैम्डा बाय 4 अगर वो कंसेक्यूटिव है. तो दिस इज सम ज्योमेट्रिकल थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. ये फार्मूला याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, consecutive antinodes, lambda by 2. Distance between consecutive node and antinode, lambda by 4. Okay. And at the free end, what is formed? Antinode. Agar hum log ka rassi dusre side mein fixed nahi hai, dusre side mein haath nahi pakad ke rakha hai, to wahan pe kya banega? Antinode. Kyun banega? As I told you, agar yahan pe free hai wo, to wo jhumega. To jhumega to kya banega? Antinode banega. So because it is free to oscillate, it creates antinode at the free position. Okay, so that is what we have written here. Note, there is formation of antinode at the free end. Okay, so let us start with the analysis of string fixed at one end now. Now, as you see here, x is equal to 0, pin node banega. So I have written here, at x is equal to 0, y is equal to 0. So hum log ka node ban gaya. And x is equal to l pe kya banega? Antinode. So wahi maine yahan likha hai. At x is equal to l, y is equal to antinode. Antinode matlab maximum displacement. तो x is equal to l पे y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो. जब sin का मैक्सिमम होगा, cos का भी मैक्सिमम होगा, तो y का भी मैक्सिमम होगा. तो y का मैक्सिमम क्या आएगा? प्लस माइनस 2a. ओके, व्हेन sin इज 1, cosine इज आल्सो 1, देन वी हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज 2a. तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2a. पॉजिटिव डायरेक्शन में 2a भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में 2a भी हो सकता है, इसीलिए y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ने प्लस माइनस 2a लिख दिया. So this is the antinode. Now, put x is equal to l and y is equal to plus minus 2. So x is equal to, मैंने कितना डाला? L. तो देखो, इस expression में हम लोग x का value डाल रहे हैं, l. As we see from this condition, put x is equal to l. तो x को मैंने क्या डाला? L. और y को हम लोग क्या मिलेगा? Y हो जाएगा plus minus 2a. तो y plus minus 2a value substitute किया. Okay? तो 2a cancel हो जाएगा. 2a कैंसिल होने के बाद sin kl प्लस माइनस 1 हो जाएगा. अब sin kl अगर प्लस माइनस 1 है, तो kl का वैल्यू कितना है? sin 1 कब होता है? sin माइनस 1 कब होता है? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब 2p माइनस 1 * पाई बाय 2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब 2p माइनस 1 * पाई बाय 2. अब चाहो तो तुम 2p प्लस 1 * पाई बाय 2 लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू.
2p plus 1 लिखेंगे तो p का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 2p minus 1 लिखेंगे तो p का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा. 2p minus 1, 2p plus 1 इस पे बहस मत करो. As I told you, 2p minus 1 करेंगे तो p का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 1 से और 2p plus 1 करेंगे तो p का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 0. It will be a whole number. Okay? तो integer है वैसे भी तो it doesn't matter. Plus minus दोनों values allowed. Okay? So 2p minus 1 into pi by 2. Now k का वैल्यू कितना है तो k is 2 pi by lambda. तो k का वैल्यू 2 pi by lambda हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट kn is equal to 2n minus 1 into pi by 2. Now k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया 2 pi by lambda into l is 2p minus 1 into pi by 2. Pi pi कैंसिल हो जाएगा. Pi pi क्या होगा कैंसिल. ओके तो हम लोग को क्या मिलेगा l is equal to 2p minus 1 into lambda by 4. देखो सिंपल सा रीअरेंजमेंट है. इस 2 को हम लोग नीचे लेके गए तो 2 into 2 आ जाएगा 4 which is what I have written here और 2p minus 1 remains as it is. lambda जो नीचे है denominator में वो numerator में आ जाएगा तो lambda numerator में आ गया. Now simplifying this expression थोड़ा सा simplify करेंगे. क्या करेंगे हम लोग we will take this 4 on the other side. ये 4 को हम लोग यहां पे लेके जाएंगे तो 4 को जब हम लोग यहां पे लेके जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इसको कॉमन ले लेंगे तो 2p upon 4 बन जाएगा p by तो ये बन जाएगा p minus half into lambda by 2. ऐसा हो जाएगा नहीं. देखो सोचो 4 को हम लोग ने लिखा 2 into 2 कैसे हो गया देखो मैं बता रहा तुम्हें. 4 को हम लोग ने लिखा 4 जो था उसको मैंने लिख दिया 2 into 2. 4 को मैंने क्या लिखा 2 into 2. ओके 2 into 2 4. अब 2 upon 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो p बचेगा तो p बच गया minus 1 by 2 बचेगा minus 1 by 2 बच गया into lambda by 2 तो p minus half into lambda by 2. This is the expression for resonating length for string fixed at one end only. P minus half into lambda by 2. देखो याद करो both ends fixed था तो क्या था P lambda by 2. Both ends fixed था तो क्या था P lambda by 2. और fixed at one end है तो क्या है P minus half into lambda by 2. सिर्फ P का P minus half हो जाएगा. Okay? Just try to remember your result. Result क्या था string fixed at both end resonating length P lambda by 2. P lambda by 2. String fixed at one end, p minus half lambda by 2. P ka p minus half ho gaya. P minus half lambda by 2. That's it. That is the only change. Okay. Now, coming to resonating frequency. Okay. So, resonating frequency ke liye hum log fir se wahi formula use kiya. V is equal to n lambda. So, from this we get lambda is v by n. So, substitute this lambda as v by n. Lambda ko hum log kya rakhenge? V by n. So, lambda ko v by n jab rakhenge hum log, to hum log expression aisa ho jayega. L is equal to p minus half. Into 2 जो है denominator में as it is रहेगा 2 denominator में as it is रहा lambda को लिखा v by n lambda को क्या लिखा v by n lambda को लिखा v by n तो उससे हम लोग को n मतलब resonating frequency का expression आ जाएगा. resonating frequency n को उस side में लेके जाओ l को नीचे लेके आओ. resonating frequency n को left side में लेके जाओ l resonating length को नीचे लेके आओ तो हमारा expression बन जाएगा n is equal to p minus half into v by 2 n. तो ये हम लोग का expression आ गया. Resonating frequency for string fixed at one end, n is equal to p minus half into v by 2l. Now, substitute velocity of string as root of t by mu. Velocity of string kya tha? Velocity of string mein, hum log ne dekha tha, root of t by mu, where t is tension in the string, mu is mass per unit length of the string. Okay, so mu, t by mu substitute kya value, root of t by mu. So velocity, v ke jagah pe maine kya dal diya? Root of t by mu. So hum log ka resonating frequency ka final expression aa gaya. N is equal to p minus half upon 2l into root of t by mu. अब देखो देखने के लिए थोड़ा याद रखने के लिए hard जैसा लग रहा होगा थोड़ा सा ये मैंने ये सब पढ़ा है ये सब थोड़ा hard है but ऐसा कुछ hard नहीं है. देखो कैसे याद करना मैं simple सा तरीका बता रहा तुम्हें. What is the simple method? Remember this expression. क्या resonating हम लोग कौन सा expression देख रहे हैं resonating length. तो resonating length n is n lambda by 2 sorry p lambda by 2 where p is the integer. ओके okay. और फ्रीक्वेंसी pv by 2l ये एक्सप्रेशन था. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी n is pv by 2l where v is root of t by n. ओके ये दो एक्सप्रेशन किसके लिए है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के लिए. स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के लिए. अब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड से हम लोग को स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड पे आना है. ये कौन सा था बोथ एंड फिक्स्ड. अब वन एंड फिक्स्ड तो हम लोग का क्या चेंज आएगा सिर्फ छोटा सा चेंज है. क्या है वो छोटा सा चेंज जहां पे p है वहां पे p minus half आ जाएगा.
तो p के बदले मैंने क्या किया p minus half into lambda by 2 lambda by 2 as it is लिख दिया ओके एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए n is equal to फिर से जहां पे p है वहां पे क्या आ जाएगा p minus half तो p के बदले मैं रखूंगा p minus half तो p minus half into v by 12 तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग लेंथ फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 1 एंड ओके ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 1 एंड के लिए है ऊपर वाला स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के लिए सी दिस एक्सप्रेशंस केयरफुली मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल याद रहना चाहिए फॉर्मूला सिंपल सा है सिर्फ p को p माइनस हाफ कर दो हमें दूसरी चीज का रिजल्ट आ जाता है p को p माइनस हाफ करने से स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड से स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 1 एंड का रिजल्ट आ जाता है सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू जो हम लोग को पहले से पता है रूट ऑफ टी बाय म्यू वो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा सो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन व्हिच यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन एग्जाम कभी कभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया रहेगा एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया पी माइनस हाफ को तो टू पी माइनस वन अपॉन टू तो टू पी माइनस वन अपॉन टू ये देखो मैं लिख देता हूं यहां पे कैसा दिखेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टेक्स्ट बुक में कैसा लिखा रहेगा वो मैं बता रहा हूं If we cross multiply, it can be written as 2p minus 1 into v by 4l. ऐसा हो सकता है कि, okay? क्योंकि 2 into 2, 4 हो जाएगा, okay? So this will be the new expression. कभी-कभी textbook में ऐसा भी लिखा रहता है. और complex करना है इसको. और complex करना है तो 4 को यहाँ लिखेंगे और l को भी यहाँ लिखेंगे और v को substitute करना है तो root of t by mu रख देंगे. So this is also the expression देखो वो cross multiply करके ही ऐसा कुछ बड़ा बात तो है नहीं simple सा trick है put velocity v is equal to root of t by mu and we get this kind of complicated expression but it is slightly difficult to remember this expression hence I prefer this method to remember l is equal to p lambda by 2 and n is equal to pv by 2l इतना सा याद करो फिर उसके बाद v का value substitute करो cross multiply करना है तो करो नहीं करना है मत करो कभी कभी किसी किसी textbook में यहाँ पे plus भी लिखा रहेगा As I told you, plus minus doesn't matter. Plus है या minus है doesn't matter. अगर plus लिखा है, तो p को zero डालो, whole number से चालू हो जाएगा. और अगर मान लो minus लिखा है, तो p one से start. So that is the only change. Otherwise it doesn't matter. Okay. So this is how we will remember the expressions for string fixed at one end and string fixed at both ends. So this is the resonating frequency and resonating length. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स तो दिस इज द लास्ट टॉपिक इन स्ट्रिंग वेव्स जो हम लोग अभी चैप्टर ले रहे हैं वेव्स में हम लोग पहला सेक्शन ले रहे हैं स्ट्रिंग वेव्स बाद में हम लोग लेंगे साउंड वेव्स उसके बाद हम लोग लेंगे लाइट वेव्स सो वी आर फर्स्ट सीइंग द फर्स्ट सेक्शन ऑफ वेव्स विच इज स्ट्रिंग वेव्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रिंग वेव सेक्शन स्ट्रिंग वेव्स में हम लोग आखिरी वाला देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ Waves. तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कहां से कहां होगा तो वी विल हैव एज आई टोल्ड यू रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का बात करेंगे हम लोग रेरर मतलब कम डेंसिटी डेंसर मतलब हाई डेंसिटी तो लेट अस सी वी हैव दो रस्सी हमारे पास एक रस्सी मोटा है और एक रस्सी पतला है तो दिस इज डेंसर मीडियम और दिस इज रेरर मीडियम ओके ऐसा डेंसर रेरर और दूसरा सिचुएशन कैसा है हमारे पास एक रस्सी पतला है और दूसरा रस्सी मोटा है सो दिस इज रेरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम दो केस हम लोग को डिस्कस करना है फर्स्ट केस इज व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम सेकेंड केस व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम दो ही केस हम लोग को डिस्कस करना है अब देखो ये दो केस समझने के लिए हम लोग एक एनोलॉजी लेंगे वी विल टेक एन एनोलॉजी एंड देन दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द रिजल्ट ओके तो डेंसर और रेरर अब देखो अगर मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दिया नैनो गाड़ी नैनो ओके नैनो ले लो मारुति 800 ले लो तो दीज आर नॉट सो हैवी व्हीकल्स उतना हैवी नहीं और दूसरा ट्रक ओके ट्रक और नैनो हम लोग ले रहे तो रेरर और डेंसर का बात करें तो रेरर नैनो होगा या ट्रक होगा नैनो ओके और डेंसर कौन होगा ट्रक ऐसा एग्जांपल है ओके और डेंसर और रेरर का बात करें तो डेंसर कौन होगा ट्रक या नैनो देखो यहां पे क्या हो रहा है डेंसर से रेरर तो पहले क्या आएगा ट्रक
और बाद में क्या आएगा देन ओके तो पहले हम लोग केस टू का डिस्कशन करते हैं रेरर से डेंसर का बात तो लेट अस फर्स्ट टेक इंसिडेंट वेव मैंने मान लो इंसिडेंट वेव रेड कलर में बनाया दिस इज द इंसिडेंट वेव ये रेड कलर में एक वेव आया है दिस इज द इंसिडेंट वेव ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया मैंने इंसिडेंट वेव सो इंसिडेंट वेव रेड कलर में मैंने दिखा इंसिडेंट वेव जब रेरर से डेंसर आएगा तो व्हाट विल हैपन एक तो ट्रांसमिटेड वेव बनेगा और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव बनेगा एज आई टोल्ड यू रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा तो रेरर से जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट वेव आएगा तो देयर विल बी बोथ केसेस वन विल बी रिफ्लेक्शन एंड अनदर विल बी ट्रांसमिशन एक चीज हम लोग याद रखेंगे व्हाट इज दैट थिंग ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इनवर्टेड ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इनवर्टेड वो कभी इन्वर्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ये हम लोग इलास्टिसिटी से डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल के हिसाब से वी कैन डिस्कस दिस ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड रिमेंबर दिस फैक्ट ये याद रखो ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड तो ट्रांसमिटेड वेव इन्वर्टेड नहीं है तो जो ट्रांसमिटेड वेव अगर मान लो मैंने दिखाया ब्लैक कलर से ट्रांसमिटेड वेव ने किस कलर से दिखाया ब्लैक कलर से तो ब्लैक कलर वाला जो वेव है ये तो इन्वर्ट होने वाला नहीं है तो इन्वर्ट नहीं होने वाला है इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग दिस मेकिंग अ वेव लाइक दिस एंड मार्किंग इज दैट ट्रांसमिटेड वेव ये कौन है ट्रांसमिटेड ओके तो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव ट्रांसमिटेड वेव बना दिया मैंने अब कौन सा बनाने का है रिफ्लेक्टेड वेव मान लो रिफ्लेक्टेड वेव मैंने ब्लू कलर में बनाया रिफ्लेक्टेड वेव किसमें बनाया ब्लू कलर ये एक्चुअली नीचे बनाना चाहिए क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव हम लोग यहाँ पे नीचे बना रहे हैं डायग्राम इंसिडेंट वेव हम लोग फर्स्ट डायग्राम में दिखा सेकंड डायग्राम में हम लोग ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों बताएंगे तो दिस इज ट्रांसमिटेड ओके रिफ्लेक्टेड वेव कैसा होगा विल रिफ्लेक्टेड वेव बी इन्वर्टेड और विल रिफ्लेक्टेड वेव बी इरेक्ट तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं नैनो जोर से आपके ट्रक से टकराए नैनो गाड़ी जोर से आपके ट्रक से टकराए तो क्या ट्रक उल्टा हो जाएगा नैनो गाड़ी जोर से आपके ट्रक से टकराया नैनो और ट्रक क्यों बोल रहे हैं मैं बिकॉज रेरर मतलब नैनो रेरर मतलब क्या नैनो डेंसर मतलब कौन ट्रक तो नैनो गाड़ी जोर से ट्रक से टकराएगा तो क्या ट्रक उल्टा हो जाएगा नहीं तो ट्रक तो सीधा ही रहेगा इसीलिए ट्रांसमिटेड वेव इज नॉट इन्वर्टेड इट इज इरेक्ट इटसेल्फ ट्रक उल्टा थोड़ी होगा तो ट्रक कैसा रहेगा इरेक्ट इटसेल्फ तो ट्रक इज लाइक दैट अब नैनो गाड़ी का क्या होगा तो नैनो गाड़ी रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा माने अगर रिफ्लेक्टेड वेव माने तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये तो इन्वर्ट हो जाएगा नैनो गाड़ी उल्टा हो जाएगा नैनो गाड़ी कैसा हो जाएगा उल्टा सो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव ये ब्लू कलर में जो मैंने यहां लिखा है दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्ट हो रहा है इसीलिए सेम मीडियम में आ रहा है इसलिए उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा है लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा है लेफ्ट साइड में ट्रांसमिटेड का डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा है राइट साइड में सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस इज व्हेन अ transverse incident wave is incident from rarer medium to denser medium then reflected wave is inverted then reflected wave is inverted it is out of phase there is a phase difference of pi out of phase reflected wave kaisa rahega out of phase kyun kyunki ye upar hai ye crest hai to ye trough hai crest aur trough out of phase hai ki nahi pi ka phase difference hai ki nahi oscillation chapter mein hum log ne padha hai ki nahi to hence रेरर से डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव इज आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव इन फेज ये बताया तुम्हें ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड तो ये हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट है आई एम टेलिंग यू इन क्या बोलते हैं बात करके मैं बता रहा है बट ये तुम लिख लो व्हेन ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वेव इंसिडेंट वेव क्रेस्ट है तो रिफ्लेक्टेड वेव ट्रफ होगा और इंसिडेंट वेव अगर ट्रफ है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्रेस्ट होगा उल्टा है okay? और ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड ट्रांसमिटेड वेव जैसा इंसिडेंट वेव होगा एग्जैक्टली वैसा ही होगा ओके सो दिस इज द फर्स्ट केस सॉरी सेकेंड केस अब हम लोग केस वन का बात करते हैं तो केस वन में कैसा है डेंसर से रहना तो ट्रक नैनो से टकरा है वैसा सिचुएशन है कि नहीं ट्रक आ रहा है और नैनो से टकरा रहा है ओके okay? तो ट्रक नैनो से टकराएगा तो उस केस में क्या ट्रक उल्टा होगा सोचो थोड़ा इधर देखो
इधर नैनो ट्रक से टकराया था तो नैनो उल्टा हो गया मतलब रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा नैनो जोर से आया ट्रक से टकराया नैनो वाड़ी उल्टा हो गया तो मतलब इंसिडेंट वेव के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा है ओके ट्रांसमिटेड वेव ऐसे किसके तो अगर ट्रक आया नैनो से टकराया ट्रक नैनो ऐसे में क्यों बोल रहा है क्योंकि डेंसर मतलब ट्रक और रेडर मतलब नैनो ट्रक नैनो से टकराया okay. तो उस केस में क्या ट्रक उल्टा हो जाएगा नहीं तो व्हाट वी वांट टू से इस अगर इंसिडेंट वेव ऐसा है इंसिडेंट वेव यहां पे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव विल नॉट बी इन्वर्टेड रिफ्लेक्टेड वेव इन दिस केस विल बी रिफ्लेक्टेड मान लो मैंने ब्लू कलर में बनाया तो रिफ्लेक्टेड नीचे वाले डायग्राम में ब्लू कलर में बनाया तो यहां पे मैंने ब्लू कलर में बना लेता हूं तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव ये कौन सा वेव है रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्टेड वेव मतलब किस केस में ट्रक नैनो से टकरा रहा है तो ट्रक उल्टा नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव इज नॉट इन्वर्टेड ओके एंड ट्रांसमिटेड वेव के बारे में क्या बोल सकते हैं वैसे भी ट्रांसमिटेड वेव तो कभी इन्वर्ट होता ही नहीं तो ट्रांसमिटेड वेव हम लोग इन्वर्टेड नहीं बनाते ट्रांसमिटेड वेव गोज लाइक दिस सो दिस इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड जैसा इंसिडेंट वेव है वैसा ही रहेगा अब ये रिजल्ट जो मैंने बनाया किसके लिए है दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव ये किसके लिए है ये दोनों रिजल्ट जो हमने दिखाया दिस इज वैलिड फॉर ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए उल्टा रिजल्ट होगा रिफ्लेक्टेड वेव फॉर रिफ्लेक्टेड वेव जो ट्रांसवर्स में रिजल्ट आया उसका उल्टा होगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव में मतलब क्या देखो मैंने यहां पर क्या लिखा वेन ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव वेन ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम कौन सा मीडियम है पहले केस में डेंसर टू रेयर मीडियम देन रिफ्लेक्टेड वेव इज देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड है या नहीं है इज नॉट इन्वर्टेड नॉट इन्वर्टेड मतलब इरेक्ट है ट्रांसमिटेड के बारे में क्या बोल सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव नेवर इन्वर्टेड कभी इन्वर्ट नहीं होगा जैसा इंसिडेंट है वैसा ही रहेगा नेवर इन्वर्टेड ओके ऐसा भी समझ और ये नीचे वाले केस में क्या होगा केस टू में व्हेन ट्रांसवर्स इंसिडेंट ट्रांसवर्स इंसिडेंट इस इंसिडेंट कौन सा है देखो सेकेंड केस में रेयर टू डेंसर फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन व्हाट कैन यू से देखो बताओ मेरे को देन रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड है या नहीं है देखो उल्टा हो गया कि नहीं देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड और ऐसा क्यों होगा बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब क्या जब यहां पे बाउंड्री है तो जो रिफ्लेक्ट होने पे इन्वर्ट होगा या नहीं होगा दैट विल डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है इनर्शिया के कारण वो उसी डायरेक्शन में वापस ऑसिलेट करके आएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा जैसे इस केस में रेरर मीडियम है तो ये जो ट्रांसमिटेड वेव है ट्रांसमिटेड वेव जो दूसरा मीडियम है उसके पार्टिकल्स को ऊपर ही इनर्शिया के कारण ऊपर लेके गया तो इनर्शिया के कारण ऊपर लेके गया ये ऊपर आ रहे थे ना इंसिडेंट वेव ऊपर है तो इनर्शिया के कारण जो ट्रांसमिटेड वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होंगे तो इसीलिए ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होगा तो वेन रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगा तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से इस पॉइंट पे बाउंड्री पे अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो यहां से इनर्शिया के कारण ये पार्टिकल्स अगर ऊपर थे इनिशियली ये पार्टिकल्स ऊपर होंगे तो उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन से ये पार्टिकल्स उल्टे होने चाहिए तो देयर विल बी अ फेज डिफरेंस फॉर दिस तो फेज डिफरेंस के कारण ये उल्टा रिजल्ट आएगा यहां पे रिफ्लेक्टेड तो देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड ट्रांसमिटेड के बारे में क्या बोल सकते हैं ट्रांसमिटेड इज नेवर इन्वर्टेड ट्रांसमिटेड वेव कैसा है नेवर इन्वर्टेड अब ये तो हम लोग ने किसके लिए देखा दिस रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर ट्रांसवर्स वेव्स नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव लॉन्जिट्यूडल वेव पे जाने से पहले देखो एक बार फिर से मैं बता देता है डेंसर से रेरर मतलब ट्रक नैनो से टकरा रहे डेंसर से रेरर मतलब ट्रक नैनो से टकरा रहे
रेरल से डेंसर मतलब नैनो ट्रक से टकरा, रेरल मतलब नैनो, डेंसर मतलब ट्रक, तो नैनो ट्रक से टकराएगा जोर से, फास्ट नैनो आ रहा है और ट्रक से टकरा गया तो नैनो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड है जब ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव रेरल से डेंसर मीडियम में जा रहा है, नैनो से ट्रक के। और दूसरा जब ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव डेंसर से रेरल जा रहा है मतलब ट्रक नैनो से टकरा रहा है, डेंसर से रेरल, डेंसर मतलब ट्रक, रेरल मतलब नैनो, तो ट्रक नैनो से टकरा रहा है तो उसके इसमें ट्रक उल्टा होगा क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज, रिफ्लेक्टेड वेव इज इरेक्ट इटसेल्फ, इट इज नॉट इन्वर्टेड, ऐसा हम लोग का रिफ्लेक्टेड वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव में वो ऑपोजिट रिजल्ट आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए कैसा आएगा? ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। तो व्हाट कैन यू से फॉर द रिजल्ट फॉर लॉन्जिट्यूडनल? तो व्हेन लॉन्जिट्यूडनल इंसिडेंट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, देखो उल्टा हो जाएगा, यहां पे ट्रांसवर्स के बदले लॉन्जिट्यूडनल आ जाएगा और नॉट शब्द हट जाए। व्हेन लॉन्जिट्यूडनल इंसिडेंट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, और यहां पे नीचे क्या आएगा? व्हेन लॉन्जिट्यूडनल इंसिडेंट वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज नॉट इन्वर्टेड, उल्टा रिजल्ट आएगा, उल्टा, नॉट लगा दो, यहां पे नॉट हटा दो, यहां पे नॉट लगा दो, लॉन्जिट्यूडनल के लिए उल्टा रिजल्ट है, वही मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर लॉन्जिट्यूडनल रिजल्ट्स आर ऑपोजिट, फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स रिफ्लेक्टेड रे रिजल्ट्स आर ऑपोजिट, रिफ्लेक्टेड वेव रिजल्ट्स आर ऑपोजिट्स, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ऑपोजिट आएंगे, किसके लिए? लॉन्जिट्यूडनल, ये तुम्हें याद रखना है। लॉन्जिट्यूडनल में देखो क्रेस्ट ट्रफ नहीं होगा, वहां पे कंप्रेशन रेरिफेक्शन होगा, क्रेस्ट के बदले कंप्रेशन आएगा और ट्रफ के बदले रेरिफेक्शन आएगा, तो कंप्रेशन ये केस अगर मैंने लिया कौन सा? रेरर से डेंसर वाला, तो कंप्रेशन कम्स बैक एज कंप्रेशन, कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक एज कंप्रेशन, तुम बोलोगे क्रैश का तो ट्रफ हो गया पर ये तो ट्रांसवर्स के लिए था, लॉन्जिट्यूडनल के लिए उल्टा होगा, तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही आएगा। और अगर हम लोग डेंसर से रेरर का बात करें तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज रेरिफेक्शन, क्योंकि डेंसर से रेरर जब जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड नहीं है, किसमें? ट्रांसवर्स में, तो लॉन्जिट्यूडनल में उल्टा है मतलब इन्वर्ट होगा, तो कंप्रेशन का रेरिफेक्शन बनेगा। व्हेन लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेशन इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज रिफ्लेक्टेड रेरिफेक्शन मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? रेरिफेक्शन, तो उल्टा हो जाएगा, तो दैट इज द रिजल्ट विच वी हैव फॉर लॉन्जिट्यूडनल। सो दीज आर द रिजल्ट्स विच वी हैव टू रिमेंबर इन